धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक के समय को होलाष्टक कहा गया है। इस वर्ष 27 फरवरी सोमवार से होलाष्टक शुरू हो गए हैं। होलिका पूजन करने के लिए होली से 8 दिन पूर्व होलिका दहन वाले स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर उसमें सूखी लकड़ी, उपले व होली का डंडा स्थापित कर दिया जाता है। इसी दिन को होलाष्टक प्रारंभ का दिन माना जाता है। होलाष्टक के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण एवं विद्यारंभ आदि सभी मांगलिक कार्य या कोई नवीन कार्य प्रारंभ करना शास्त्रों के अनुसार वर्जित माना गया है। होलाष्टक के 8 दिन क्यों नहीं किए जाते शुभ कार्य, आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को कामदेव ने महादेव की तपस्या भंग की थी। इससे क्रोधित होकर शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। प्रेम के देवता कामदेव के भस्म होते ही सारी सृष्टि शोक से व्याकुल व्याप्त हो गई। अपने पति को पुनः जीवित करने के लिए रति ने अन्य देवी देवताओं सहित शिव जी से अनुनय विनय की। प्रसन्न होकर भोले शंकर ने कामदेव को पुनर्जीवन का आशीर्वाद दिया। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को कामदेव भस्म हुए और 8 दिन बाद महादेव से रति को उनके पुनर्जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार उधर प्रहलाद की विष्णु भक्ति से नाराज उसके पिता राजा हिरण्यकश्यप ने इन 8 दिनों में उनको कठिन यातनाएं दी। पूर्णिमा के दिन हिरण्यकश्यप ने बहन होलिका के साथ प्रहलाद को जला दिया, लेकिन प्रहलाद ईश्वर कृपा से बच गए और होलिका जल गई। भक्ति पर आघात की इसी अवधि को होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार अष्टमी से पूर्णिमा तक 9 ग्रह भी उग्र रूप लिए रहते हैं। यही वजह है कि इसी अवधि में किए जाने वाले शुभ कार्यों में अमंगल होने की आशंका बनी रहती है। होलाष्टक में अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र रहते हैं एवं नकारात्मकता की अधिकता रहती है। इसका असर व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता पर भी पड़ता है। होलाष्टक की परंपरा के पीछे सिर्फ धार्मिक कारण ही नहीं है बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। इनके अनुसार होलाष्टक का विज्ञान प्रकृति और मौसम के बदलाव से जुड़ा हुआ है। इन दिनों वातावरण में बैक्टीरिया वायरस अधिक सक्रिय होते हैं। सर्दी से गर्मी की ओर जाते इस मौसम में शरीर पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें विपरीत प्रभाव डालती है। होलिका दहन पर जो अग्नि निकलती है वो शरीर के साथ साथ आसपास के बैक्टीरिया और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है, क्योंकि गाय के गोबर से बने कंडे, पीपल, पलाश, नीम और अन्य पेड़ों की लकड़ियों से होलिका दहन होने पर निकलने वाला धुआं सेहत के लिए अच्छा होता है। इसीलिए होलाष्टक के दिनों में उचित खान पान की सलाह भी दी जाती है।